नमः शिवाय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि शनिवार मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 3:40 तक लगा रहेगा, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र लग जाएगा। चंद्रमा आज मिथुन राशि में चलते रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, चंचल, बुद्धिमान और धनी होते हैं। ये हाजिर जवाब, संवेदनशील और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। द्विअर्थी बातें बोलने वाले, वाक्पटु, बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करने वाले और उन्नतिशील विचारधारा वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, मंगल और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि वाले जातकों के उत्साह और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं। पहले के चले आ रहे रुके हुए काम संपन्न होंगे। नए कामों को करने में मन लगेगा और आर्थिक लाभ में सहयोग बना रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव और साझेदारी लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर दोपहर के बाद का समय भ्रम की स्थिति में डालने वाला हो सकता है। महत्वपूर्ण कामों को दोपहर के पहले निपटाने की कोशिश करें। अतिथियों के आने से मन में उत्साह और खुशियां बनी रहेंगी। वृष राशि के जातकों को आर्थिक लाभ के कई अवसर सामने आएंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता और तर्क शक्ति में और निखार आएगा। बस हर कार्य के प्रति जल्दबाजी ना करें। सहकर्मी या अधीनस्थ कर्मचारी के साथ दबाव पूर्वक प्रवृत्ति उचित नहीं होगी, इससे गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। आकस्मिक घटना लाभदायक परिणाम देगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। गुरु के वक्री होने की वजह से अधिकारियों का सहयोग अपेक्षित मात्रा से कम मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी पड़ेगी। मिथुन राशि वाले जातकों को साझेदारी और व्यावसायिक उत्थान में सहयोग मिलेगा। आपकी तर्क शक्ति और बौद्धिक क्षमता बढ़ती रहेगी और तात्कालिक निर्णय लेने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और नए प्रस्ताव सामने आएंगे। पारिवारिक प्रेरणा मिलती रहेगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए रिश्ते कायम होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज खर्च की स्थिति बनी रहेगी। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मामलों में व्यय संभावित है। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर दोपहर के पहले लेना उचित होगा। कार्य क्षेत्र में असमंजस वाली स्थिति संभावित है। साझेदारी के काम आज उचित नहीं होंगे। आर्थिक लाभ सामान्य बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन असमंजस भरा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी और कुटुंबियों के बीच तनावपूर्ण माहौल व्याप्त रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों के उत्साह और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र का प्रबंधन उचित ढंग से होता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रति आपकी सक्रिय सोच जारी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य बना रहेगा। संतान संबंधी मामले में सुख और संतुष्टि मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। अनावश्यक समय बिताने वाले व्यक्तियों से दूर रहें और अपनी आंतरिक ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करते रहें। कन्या राशि वाले जातकों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति पैदा होगी। फैसला लेने में सावधानी और शीघ्रता अपेक्षित है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। साझेदारी लाभदायक रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा, मगर संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी। पूंजी निवेश लाभदायक रहेगा और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तुला राशि वाले जातकों की दिनचर्या संतुलित रहेगी। मानसिक राहत महसूस करेंगे। आंतरिक प्रेरणा के मन मुताबिक काम करें, सफलता मिलेगी।
मगर दोपहर के बाद कुछ मामलों में आपके निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सावधानी रखनी होगी, खर्च संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संतुलित है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष से कुछ तनाव हो सकता है, मगर धैर्य से आप उसे नियंत्रित करते जाएंगे। अपने स्वास्थ्य पर आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। वृश्चिक राशि से चंद्रमा आज आठवें चल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। धैर्य और उत्साह में उतार चढ़ाव संभावित है। भावनात्मक तौर पर कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति सामने आ सकती है, मगर आप उसका निपटारा करने में सफल रहेंगे, जिसमें पारिवारिक प्रेरणा का सहयोग मिलेगा। आर्थिक योजनाएं पहले जैसी चलती रहेंगी। महत्वपूर्ण निर्णय कल पर डाल दें। नई योजनाओं के लिए आज का निवेश उचित नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। संतान पक्ष से कुछ चिंता की स्थिति बन सकती है। प्रवास या छोटी यात्रा का योग बनता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज की शुरुआत अच्छी होगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा, रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। कार्य योजनाओं में आपके प्रयास सफल होंगे। थोड़ी दिक्कत और संघर्ष की स्थिति संभावित है, मगर धैर्य और संयम से आप उसे पूरा करने में सफल रहेंगे। कोई ऐसी योजना ना बनाएं जो लंबे समय तक करनी पड़े। अपनी प्रतिभा को साबित करने के कई मौके मिलेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल है। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी आपको रखनी चाहिए। मकर राशि से चंद्रमा आज छठवें घर में चल रहे हैं। मन में अनावश्यक भय और संकोच की स्थिति संभावित है, मगर मन मुताबिक काम चलता रहेगा। विरोधी पक्ष की योजनाओं का अंदाजा लगाने में सफल रहेंगे और सहयोगियों में तालमेल बना रहेगा। दोपहर के बाद योजनाओं की गति धीमी पड़ सकती है और स्वास्थ्य संबंधी चिंता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी, मगर पारिवारिक कार्य पर चिंता और मानसिक दबाव संभावित है। कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक योजनाओं के कई प्रस्ताव सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बनी रहेगी। दूसरों के साथ मिलकर काम करना फायदेमंद रहेगा। धैर्य और संयम के साथ काम करते जाएं, लाभ मिलता जाएगा। किसी मामले में स्वाभिमान और प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनने दें। अध्ययन अध्यापन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, मगर भाग्यवश काम अच्छे होंगे और मौसम संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। मीन राशि वाले जातकों को सेहत संबंधी सुधार मिलेगा, मगर मानसिक बेचैनी और आत्मविश्वास में कमी आएगी। हालांकि पारिवारिक दायित्व के प्रति आपकी गंभीरता बढ़ेगी और कार्य क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी बनी रहेगी। मन मुताबिक आर्थिक लाभ में उतार चढ़ाव संभावित है। अधिक जोखिम लेते हुए काम को अंजाम देना उचित नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के जुनून में कमी आएगी और शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। साझेदारी में सावधानी बनाए रखें। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और निजी संबंधों में मधुरता का एहसास होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।